ब्रेड रोल बना लो, कटलेट्स बना लो, पेटीज बना लो, ये किनारे रह ही जाते हैं। ब्रेड क्रम्ब ऑलरेडी एक डिब्बा भर के रखा हुआ है। क्या करूँ इसका मैं, क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेनाज एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर से होंगे, मजे में होंगे। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून भर के घी डाला है। घी वनस्पति या फिर देसी भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो फ्लेम को मैंने धीमा रखा है। घी मेल्ट होने पर ब्रेड के किनारे इसमें डाल रही हूँ रोस्ट करने के लिए। अभी इसे चम्मच से हिलाते रहना है ताकि सभी अच्छे से रोस्ट हो जाए। रंगत बदलने लगी है, क्रिस्पी भी हो रहे हैं। अब इसमें 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ। साथ ही साथ 6 से 7 टेबलस्पून शक्कर डालना है। मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो उस हिसाब से शक्कर डालें, लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस मीठे के लिए 6 से 7 टेबलस्पून शक्कर काफ़ी है। धीमी आंच पे ही इसे पकाना है। अच्छी खुशबू और जायके के लिए थोड़ा ज़ाफ़रान यानी कि केसर मिला देते हैं। बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहे ताकि सतह पे लगे नहीं, चले नहीं। अब इसमें 1/4 टीस्पून फ्रेश इलायची पाउडर ऐड कर दें। इसे भी मिला लें। अब इसे और अच्छा दिखने के लिए और दिखाने के लिए केसरी फूड कलर ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम मेरा अभी भी लो की तरफ है। लीड से ढक के 6 से 7 मिनट के लिए रहने दें। इस बीच आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटा हुआ बादाम और पिस्ता ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स मिला लेने के बाद इसमें 100 ग्राम के करीब मावा ऐड कर लें। चम्मच से मिला लें, लीड से ढक के 1 से 2 मिनट बाद फ्लेम से हटा दें और गर्मा गर्म सर्व कर लें। माशाल्लाह, खुशबू और जायका जबरदस्त। ब्रेड के किनारे रह जाए तो इस तरह का हलवा जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट मुझे नया व्लॉग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप उनमें से एक हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वहीं पास बेल बटन को क्लिक कर लें, ऑल वीडियोज़ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।